कोटा के किशोर सागर तालाब में युवक का शव मिलने के मामले में मृतक की पहचान हो चुकी है। पुलिस को मृतक की जेब से आईडी मिली और इसके आधार पर युवक की पहचान बारा के नाहरगढ़ निवासी दीपक नागर के रूप में हुई है। पुलिस ने साथ ही बताया कि दीपक ने परिजनों को जोधपुर की एक निजी कंपनी में नौकरी करने की बात कही थी और इसी के चलते वह कुछ दिन पहले ही घर से जोधपुर जाने के कहकर निकला था, लेकिन वह कोटा आ गया और तालाब में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली और फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को भी सुपुर्द कर दिया है और साथ ही मामले के जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पेट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी फ़ोन के जरिए कि किशोर सागर तालाब में एक युवक की बॉडी तैर रही है। उस पर हम थाने से रवाना होकर वहाँ नगर निगम के गोताखोर के जरिए वोट के वहाँ पानी के अंदर मध्य में ये बॉडी उल्टी अवस्था में ले डूबी हुई थी, जिसको गोताखोरों की मदद से निकाल के किनारे पर लाए।